मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने सरपंचों की मौज कर दी है, तनख्वाह भी बढ़ा दी और इनके जो काम करने की क्षमता है वो भी बढ़ा दी। और जो हमारे गोहाना ब्लॉक के सरपंच है टिंकू मलिक, वो मेरे साथ अभी मौजूद हैं। बल्ले बल्ले कर दीजिए प्रधान जी। मैं सभी दर्शकों ने मेरी राम राम। आप मीडिया के माध्यम से बताना चाहता हूँ, बल्ले बल्ले तो कुछ भी नहीं हुई है। पहला तो हमारे पूरे शर्मा भड़क थी, या हमारी मुख्यमंत्री ने भड़क मिट्टी को आद्य शर्म फिर रख दी। हमारे शर्म आदि भड़क हो रहा है, सरकार का भी पहला पूरी शर्म भड़क थी, सरकार ने भी आदि भड़क रख ली शर्म है, तो यह पूरी भड़क ही मिट्टी नहीं है। सिस्टम पहला दो कह दिया फिर गणे रिंग पिटेंगे तो पांच कर देंगे। एक बात बताओ, रंगा का के देना हो है? रंगा हो कहता है रिंग धाम तेरे लिए, हमारा रिंगण का निरा धाम रोन के रह गए। तो हमने कहा हम अपने दादा खट्टर साहब नहीं भड़कना अपनी नहीं मिटे ले, अरे सरपंचाई जो भड़क थी नहीं मिटे दे, ईशाना अगर आधी तेरे रह आधी मारे रह। तो दादा समझदार आदमी है हमारा, यो बूढ़ा आदमी बहुत अच्छा आदमी है, और हम कहते हैं कि भड़कने कती काट देगा ना तो बहुत बढ़िया रहेगा। नहीं, आपको 17 तारीख का घेराव करेंगे विधानसभा का, अभी हम संतुष्ट हो इन चीजों तक जो करोगे, इब जाओगे 17 में जाएंगे हम, हमारा आंदोलन जारी है और हमारी कमेटी भी सरपंच भी खुश नहीं है, गांव की जनता भी खुश नहीं है। आप मैं मतलब एक वो नहीं कर रहा, मैं फॉर्मेलिटी पूरी नहीं कर रहा, आप गाँव में पूछो, गाँव वाले भी नहीं कहने लगे करे के करे तो इशादे करे जो पूरा उतरे, जनता भी खुश हो, ये तो कुछ भी नहीं कर रहा। तो मांग जो हमारी थी पहले 20 लाख तक का था, कम से कम उस तो बढ़ा हुआ तक मतलब नहीं हुआ भाई, अच्छा काम करा घटा गया, पहला दो करा दो तो ही पांच कर दिया, यो कुछ नहीं, यो तो एक भीख मांगने वाला काम है, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। हम भी देखो एक सरकार गिगेल है, हमको दूर नहीं होते सरपंच, सरकार के साथ रहते हम, जनता ने चुन रखे हैं, कोई नहीं तो थोड़ा काम अंगे तो बन रहे हैं, हम गाँव का विकास करने के लिए बन रहे हैं। ये मैं सोरो समिति से गाँव ने सरपंच बना रखा हूँ, 42 वोटों का गाँव है, तो गाँव ने कुछ मतलब ये तो विश्वास होगा अच्छे काम करेगा, तो काम जब करेंगे जब हमारे हाथ में पावर होगी। ये ठेकेदार आओगा, ये टेंडरिंग का मामला है, हम ठेकेदार के साथ घनी पैसे भी नहीं कर सकते, वो जब बने होगा दिया भाई सरकार ने दे पावर, ई टेंडरिंग में पावर नहीं था, हम काम कराओ खड़े होगा काम कराओ। एक बात आओ साहब बदन हम वहाँ खड़े रहेंगे, हमने और भी तो काम जनता को और भी तो भला करना होगा, नहीं करना 20 लाख दे देंगे जब खड़े रहोगे, जब तक खड़े क्यों रहेंगे, हम तो जाकर देखेंगे काम हम पूरा करवाना करा जब हटा देंगे ठेकेदार, तो हम 2 मिनट चले गए, मान लो उन्हें मसाला 3-1 का बनाना, मान लिया चलो 2-1 का बनाना है, हम जाएंगे जब तक बना देगा, हम जानते फिर वो कर देगा, तो यो काम तो फिर भी हो सके ना, फिर क्यों करो जाएगा, फिर तो हम अपना मिस्त्री लाओगे, कोई बात होगी तो हमने गांव से भी डर लगेगा ना, अपना मिस्त्री हाँ अपना लाओगे हमसे पैसे लगे भाई, कोई ठेकेदार का मिस्त्री पर विश्वास नहीं, ठेकेदार पर विश्वास नहीं है, ठेकेदार दूसरी बात सुनो, हमने तो काम तक डर लगा है, हमने तो काम में रहना है, ठेकेदार ने काम में नहीं रहना। ये मेरे गाँव में आप मीडिया के माध्यम से बताना चाहता हूँ, मेरे गाँव में आगे देखो आप 4 बिल्डिंग बन रही है, मन एक बिल्डिंग हमारी है जो अपना आर्यवेद की औसत नहीं होती इसकी बिल्डिंग है, जब आ रहे थे तो पुरानी बिल्डिंग थी मतलब 60 साल पुरानी, वह गिरने हो रही है, उन्होंने नहीं मैं अपना सामान शिफ्ट करना था, वो देख कर डर गए, इस्तदाची जो 40 साल पुरानी इस पर विश्वास था, हमने 40 साल तक हम ठीक थे बैठे हैं, इस पर हमने बढ़ते का विश्वास नहीं है, वैसा माल लागा जा रहा है उन बिल्डिंगों का, बेरा नहीं ना उनका पूरा काम हो लिया चरुआ का। तो अगर सरपंच होता तो गाँव से डरता, समाज से डरता, वो काम पूरा होता और अच्छी तरीके से होता। एक कहावत थी वो थे, जब घर कहने लगे कि मैं बात तब ले जा गाम में करिए अपनी सरपंची, गाम में गया अब जब घर करिए अपनी सरपंची, वो काम हो रहा है, इब गाम में था हम काम कराओ ना कराओ की डाल के काम हो है, जब तो गाँव वाले लठ मारे हैं, सरकार पर मांगने चले जाओ, अधिकार दो शक्ति दो पूरी, फिर और भी प्रसाद मिल जाए। देखो ऐसा है, सरकार ने तो सारे पीट दिए छोटे गुण, किसानी ने पीट दिए, सरपंच ने पीट दिए, अच्छा मतलब अपने भाई सरकारी में कमाई ने पीट दिया, ये जा रहे थे कल रख थे जो बैठे भाई बेचारे ने कराया था उड़े पंचकूले गए उनके भी लठ मार दिए, लेकिन चलो सरकार है भाई लठ मारो ताना साहिद चला है सरकार की, मारे हाथ में तो के पावर, हम तो अपना अधिकार मांगने के लिए रोआ पीटी कर सके हैं एक गांव को बचाने के लिए, तो कुछ भी करो सरकार के हाथ हैं, लेकिन हम दादा साहब से भी हाथ जोड़े कहते पूरी भड़क ने काट दे मारे शर्मा, आधी भड़क क्यों कर दिया हमारा, या तो आधी भड़क होगी। तो 17 का प्रोग्राम आपका पक्का है, आप जाओगे विधानसभा का घेराव करोगे? पक्का करेंगे, और देखो हमारे दादा साहब के मतलब कोर मन माजे देखे बेरा पट्टा बद एक दिन बाकी है,
तो ना तो अपना करेंगे उड़ा और जिसा मरता होगा वह अपना शांतिपूर्ण धरना करेंगे। हम देखो पिछली बार जी हमने कोई मतलब कोई भी ऐसा गलत काम नहीं करा, जो मतलब हम हरियाणा की जनता हमारे से नाराज हो, वहाँ के जो लोग थे पंचकूला में हमने उनके साथ भी कोई भी बता दो भाई सरपंचों ने यो गलत काम करा है, हमने शांतिपूर्ण रोड बस हुए हैं, दो तीन तीन दिन चार चार दिन में हमारा नहाने का नंबर आया, हम तीन दिन में नहा आता हुआ, तो हम तो किसी ने भी को ना उड़ी तो उठ के कितने नहाना चले गए कि हमने तो कोई आउला कराया ही नहीं। तो हम तो भी एक देखो सरकार ने मतलब ऊपर से चुनाव भी आने लग रहा है और गाँव में भी जाना है, वोट भी मांगनी है और हमारी मदद की जरूरत पड़ेगी, तो हम तो भी हाथ जोड़ गए कहे सरकार ने बात मान लेनी चाहिए। सरपंच को आप देख लो कितने सरपंच बन लिए, किसी का कोठी हो भाई, किसी का 50-60 लाख 70 लाख 80 लाख की गाड़ी खड़ी हो, किसी का विदेश में बिजनेस हो, MLA बनते हैं, MP बनते हैं, पंप लाग जाए हैं, 80-80 लाख की गाड़ी लिया हुआ है सर, हम कोठी गाड़ लें, विदेश में बिजनेस हो जाए हैं, तो मारे भी इतना ध्यान क्यों दे रहे हैं इन बदलू ने, जिनके बैंक काम के बरा कक्के लोग कर हैं उन पर ध्यान दो, हमारे तो 5 साल हैं, काम बढ़िया कर जाएंगे, गाँव हम ये सोच के बने गाँव हमारा नाम रोशन हो, भाई नु याद रखा वो सरपंच बनाया था उसने ये बढ़िया काम करे थे। दो तीन चीज है, सरकार ने बढ़ाया तो है, वेतन बढ़ा दिया, काम करने की क्षमता बढ़ा दी, एक तरफ तो नो रहा है बल्ले बल्ले होगी, एक नूबी को है कि सरपंच अभी तक रुके थे डटे थे, इसलिए सरकार को ये कदम उठाना पड़ा और थोड़ा सा संघर्ष और है। आपके प्रधान जी की एक ऑडियो भी वायरल हो रही थी, उसमें वो कह रहे हैं कि भाई अभी डटे रहो रुके रहो, ये 5 नहीं पूरे 20 लेंगे और जितने अधिकार हैं शायद 29 अधिकार है पंचायतों के, 29 के 29 अधिकार जब तक नहीं होंगे तो बात नहीं बनेगी। 31 एक बताओ हमारे संविधान में है, हमारे अधिकार वो दे रखे हैं, को वो जिन्हें बनाए उन्हें सोच समझ के बनाए, वो भी दे मतलब बुद्धिमान व्यक्ति होंगे। रही बात आप कह रहे हो अक इन हमारे पर ध्यान पूरा दे दिया, पूरा ध्यान दे रहे हमारे पर, 3,000 जगह 5,000 कर दिए, ये भी इतना हम रहेंगे सरपंच, उसके बाद तो मेरे ख्याल में 1,000 रुपये थे उसका, तो बिरा नहीं आगे माला 2,000 करेंगे को 1,000 ने भी काटेंगे उनका, 100 रुपया मदे डाडी बने हैं, 30 रुपया तो बंडल हो रहा है, 100 का दरोज तमाकू लग गए हमारा है, पलिशन तो होगा कि आप बताओ, एक बार ताप चढ़ गया था, एक बार डॉक्टर जानता ही ले लिया सरपंच के साहब, बदन दो फरी मनना पड़े, सेवा करनी पड़े गांव की, तो यो तो को बड़ा ईशा नहीं दे दिया मार तक भाई, को इतिहास हो गया इस तो अच्छा काम कर ही नहीं है, पलिशन भी तो बढ़ रहा है, कितनी बढ़ रहा है, इन्हें 5,100 रुपये पलिशन का रुका मार रखा है, जनता ने सुन रखा है, आपने बेरा हुआ अगर ये तड़क है चुनाव के टाइम एक भी ना रह लेगा, जब ये क्या उनसे कर जाए, जनता पागल नहीं है, पढ़ी लिखी जनता हो रही है, कुछ समय होता है एक चीज का काम करने का, तो दादा खट्टर साहब से भी हाथ जोड़ता हुआ समय आ रहा है, एक जो हमारी मांगे कुछ रहेगी कसर रहेगी, जो आद्य शर्मा भड़कस है उसने मटे दे, काले काले का दनोर बीच में है, तो मुख्यमंत्री का तो ये हुआ प्रजा को खुश रखना, हमारी छोटी सरकार है तो हमने भी खुश कर दो, क्या दिक्कत है, हम गांव के विकास के लिए कर रहे को अपनी गोज बढ़ने के लिए थोड़ा कर रहे हैं, ये तो पहला था, पहला भी तो यही सरकार थी, चलते नानते ही काम करना था, ये भी शायद 7 साल में ईसा के हो गया कि भाई इतना बूंदी धांधली कर दी सरपंच ने, फिर बता दो कि तोरी है वाह, MLMP अब कोई ध्यान नहीं, अच्छा और मैं कमी उन कोई ध्यान नहीं, रजिस्ट्री अब कोई ध्यान नहीं, तो भ्रष्टाचार में टकड़ है, चलो हम मुख्यमंत्री साहब ने मानते हैं ईमानदार आदमी है कती कोई दिक्कत नहीं, लेकिन और तक कौन है, लेकिन सरपंच एक भी बता दो को आज तक किसी की 20 साल की सजा हुई हो तो कोई भी ईसा करप्शन कराया होता है, हर मंत्री मिले ना हो रिदा बताओ, तो फिर संघर्ष लंबा छेड़ेगा, संघर्ष तो लंबा छेड़ा, पर हम तो नहीं सोच रहे थे लामनी भी करनी है, हम तो नरम आदमी है, गेहूँ भी कटने हैं सरपंचा ने दे, हमने तो खेती भी तो कर रहे हैं, हमारा को फैक्ट्री तो चलती नहीं, तो हम तो नहीं है हाथ जोड़ गए सरकार तो मरला मनी काटे हमारे है, और गामा में लोग ये टाइम तो चीज नहीं मानी, तो क्या करोगे गामा में इनका पढ़ना लिखना भी करोगे बंद, क्यों कर करोगे, देखो ईशा तो होगा जब सरकार हमारी बात नहीं मानी, चलो ये हरियाणा इनके अंडर में है, हरियाणा मुख्यमंत्री है भाई, इनकी चल है राजा है, गामा की तो मारी भी सीख है, मैं गाम राम मारी मानने का गाम ने हम सुन रखे थे, गाम के दम के मैं मालिक से हैं, गाम के आदमी है जो हमारे काका ताऊ भाई हैं उन ताज जोड़ेंगे, वो भी हमारी साथ गेला रहेंगे, तो हम विरोध तक करेंगे और जितना ही बसाओ की बढ़ने भी नहीं देंगे, सच्चाई है, जब हमारा लाठी हमारा लाग गए ये इतने मोटे सपाट हो रहे थे हमारे माल मारा लड़ गया, 4 दिन रोड पर हम सो गए, कोसा मेले सोया आज तक 4 दिन रोड पर बताओ, किसान सो गए 2 साल, कोई MLMP रोड पर सोया तो बता दो, मच्छर उन्हें
कोरोना उन्हें झेलिया, मच्छर उन गलड़े, चमासा उन्हें देखा, गर्मी उन्हें देखी, तो इस तबत्ती के नए होगा ना बताओ जनता के लिए। तो फिर आखिरी चेतावनी क्या देना चाहोगे? आखिरी चेतावनी दे ये हम चेतावनी देना तो नहीं चाहते, लेकिन मजबूर होता उड़ा आदमी तो केवल के करेगा, लेकिन हम तो इभी नुको है दादा खट्टर साहब दे दादा आधी बड़क नोर में टे दे पूरी बड़क थी शर्म आधी कर दी वे और आज पूरी सरकार कर दी इबादी सरकार करेगी तो इस बड़क ने का डगर पगा हम भी काम लग गए और सरकार ने भी काम पावे। बिल्कुल बहुत बड़ी बात है भाई। आज जो है मुख्यमंत्री खट्टर ने एक सरपंचों के लंबे संघर्ष को देखते हुए एक फैसला लिया कि भाई सरपंचों की जो है वो वेतन बढ़ा दिया जाए, सरपंचों के काम करने की जो क्षमता है वो बढ़ा दी जाए, लेकिन इस चीज से सरपंच खुश नहीं है। सरपंच अभी भी संघर्ष अपना जारी रखेंगे और निरंतर सरकार से ये प्रयास करेंगे कि पहले की तरह इन्हें 20 लाख तो कम से कम हो और 20 लाख से ज्यादा बढ़ाए तो सरकार की मर्जी है, लेकिन इतनी क्षमता जरूर इन्हें काम करने की दे ताकि ये खुल के गाँव में विकास करवा सकें।